हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी ABS की तरफ से जो आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट इनवाइट की है उसके बारे में। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि हम टोटल पोस्ट की बात करें तो ABS की पोस्ट पे आप सभी के लिए 38 से 53 पोस्ट जो है वैकेंसी फ्रेंड्स जो है निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। काफी दिनों के बाद आप सभी को इंडियन आर्मी में ABS पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिली हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसका जो है आप सभी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आप इस फॉर्म को किस मोड में अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो है अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है वो सबसे पहले आप सभी के पास जो है इन्फॉर्मेशन दे सके। चलिए फ्रेंड्स ना समय गंवाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं वैकेंसी की, किसमें कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए इसमें कितना वैकेंसी है और फ्रेंड्स यहाँ पे कौन से ट्रेड में कितना वैकेंसी आप सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं यहाँ पे बता दें कि यदि आप लोग स्टोर कीपर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टोर कीपर में यहाँ फ्रेंड्स टोटल 8 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आ रही है, और स्टोनर 2 की यहाँ पे 363 वैकेंसी है, UDC की ऑफर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पे 464 वैकेंसी है, और यहाँ पे CMD की यहाँ पे 630 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे काफी अच्छा पोस्ट है फ्रेंड्स। और प्यून की फ्रेंड्स यहाँ पे प्यून की सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, 706 पोस्ट प्यून के लिए है, ठीक है। और यदि हम चौकीदार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे चौकीदार की 531 वैकेंसी है, और सफाई वाला का 249 है, और यहाँ पे चौकीदार फ्रेंड्स जो है उसका 13 है, ट्रेड्समैन मेट की फ्रेंड्स यहाँ पे 591 वैकेंसी है। यदि हम टोटल काउंट करेंगे फ्रेंड्स तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप सभी के लिए 38 से 53 यानी कि 3853 पोस्ट पे आप सभी के लिए जो है वैकेंसी आ रही है। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि ABS एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स जो है डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। यदि आप सभी के इसमें जॉब हो जाता है तो रॉयल जॉब है। तो फ्रेंड्स यदि आप ही 10+2 पास आउट है या 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। यदि हम एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड्स तो यदि आप जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी को यहाँ पे एप्लीकेशन फी 100 रुपए रहने वाला है, एंड यहाँ पे SC ST और फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगने वाला है। यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके अब हम यहाँ पे बातें कर रहे थे एज लिमिट की, आप सभी को एज क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि मिनिमम एज यदि आप सभी 18 साल है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप सभी का मैक्सिमम एज 25 ईयर्स यानी कि 25 साल मांगा गया है, और गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो भी यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन आप सभी को देखने को मिलता है जो भी कैटेगरी को ये वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स ओबीसी को यहाँ पे 3 साल का मिलता है और SC ST के यहाँ पे 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ओके अब हम यहाँ पे बातें कर रहे थे फ्रेंड्स की जो भी इसमें ट्रेड है उसका जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि आप फ्रेंड्स जो है LDC का फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो आप सभी को 12वीं पास होनी चाहिए, एंड आप सभी को टाइपिंग स्किल टेस्ट में आप सभी को टाइपिंग आनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप सभी को 35 मिनट का स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में यदि आप अपना टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आप सभी की स्पीड होनी चाहिए। यदि हम UDC की बात कर ले अपर डिवीजन क्लर्क के फ्रेंड्स तो यहां पे ग्रेजुएट आप सभी को पास मांगा गया है, एंड आप सभी की इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होनी ही चाहिए। स्टोर कीपर की बात कर ले फ्रेंड्स तो आप सभी को यहां पे 12वीं पास मांगा गया है, एंड आप सभी की इस ट्रेड में जो है फ्रेंड्स नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है इस ट्रेड से रिलेटेड। यदि हम यहाँ पे बात कर ले स्टोनो 2 की तो आप सभी को 12वीं पास होनी चाहिए, एंड आप सभी को इस ट्रेड में आप सभी को फ्रेंड्स जो है नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। प्यून की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को 10वीं पास ही मांगे, यदि आप मिनिमम 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्यून के लिए, ठीक है। और यहाँ पे चौकीदार की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप सभी को चौकीदार के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है, सफाई वाला का भी 10वीं पास मांगा है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ट्रेड्समेट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 10वीं पास एंड ITI आप सभी के लिए मांगा है इस ट्रेड में, ठीक है। यदि हम यहाँ पे फ्रेंड्स बातें कर ले कि डॉक्यूमेंट आप सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए तो आप सभी को एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, जो है आप सभी को आइडेंटिटी प्रूफ में, एंड इसके साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप सभी को फ्रेंड्स यहां पे चल जाएगा 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। और भी हम यहाँ पे बातें कर रहे फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस का कि आप सभी को यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का, ठीक है, और जनरल हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, उसमें से भी आप सभी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का। यदि हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन आप सभी को 100 रहने वाला है, और यदि हम टोटल टाइम की बात करें तो आप सभी को 90 मिनट के यहाँ पे टाइम जो है फ्रेंड्स मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स काफी अच्छा वैकेंसी है। अब हम यहाँ पे बातें कर रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस का कि यदि जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे आप सभी को एडमिट कराएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ठीक है।
के बारे में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट को जो है डाउट होगा कि इसका जो है फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है, यानी सबसे पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, जब आप सभी को एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले इसमें आप सभी को होने वाला है पीईटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप सभी को होगा पीएचटी, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में आप सभी को रनिंग करवाया जाता है, रनिंग करके क्वालीफाई करने के बाद आप सभी को पीएचटी होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप सभी का हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। जब आप लोग ये क्वालीफाई कर जाएंगे तो आप सभी के यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रेंड्स आप सभी को निकलने के बाद आप सभी के यहां पर रिटर्न होने वाला है। रिटर्न जब आप लोग क्वालीफाई कर देंगे तो आप सभी के यहां पे मेडिकल होता है। मेडिकल आप सब जब क्वालीफाई कर देंगे फ्रेंड्स तो आप सभी के यहां पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आप सभी को फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये भर्ती काफी अच्छी है एमईएस की, जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस का फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये भर्ती काफी अच्छा है। यदि आप सभी जो है 10वीं कर लिए हैं, 12वीं कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, यदि आप ग्रेजुएशन किए आप सभी को यूडीसी का पोस्ट काफी फ्रेंड्स जो है अच्छा है। इसका जॉब प्रोफाइल भी काफी अच्छा है, सैलरी भी आप सभी को काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। यदि आप 12वीं पास है तो आप सभी के एलडीसी के लिए काफी अच्छा पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क का। और यदि आप 10वीं पास है तो आप सभी के प्यून का और यहाँ पे सफाई वाला का और यहाँ पे आप सभी को ड्रेस मेट का काफी जो फ्रेंड्स आप सभी को अलग अलग विभिन्न विभिन्न ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है इंडियन आर्मी एमईएस की तरफ से अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप सभी के लिए एक वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे कि किस ट्रेड में किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और इसका फ्रेंड्स जो है कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, सारी जानकारी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे जब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर परिवार चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो भी भर्ती आती है तो सबसे पहले आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।